हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म आज रिलीज हो चुके हैं और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको जो है रजिस्टर कैसे करना है, हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। आपको इस पोर्टल पर कैसे पहुँचना है, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है और आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं आप इस पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। जैसे आप पहुँचते हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2022, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके पे प्रेस करते हैं फिर से आपको एक नया विंडो में ले जाके खोल देगा। तो हम जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एक बार जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं देन फिर जो है हमारी जो एग्जाम शीट वगैरह, पहले हम फीस देख लेते हैं कितनी कितनी फीस लगने वाली है। ओके यार, अब बहुत सारे बच्चों को एक कंसर्न होगा कि भैया ये बीटेक और आर्किटेक्टर क्या होता है। यार जो हम जो इंजीनियरिंग जो जिन बच्चों को जो इंजीनियरिंग करनी है तो उसको हम बीटेक बोलते हैं, बीई और बीटेक। बीई का मतलब होता है बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक का मतलब होता है बेचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देन आपको जो पेपर टू का आपने एक नाम सुना होगा जो कि होता है बी आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर, यानी कि BARCS और बी प्लानिंग। ये जो होता है यार हमारे, आपने हमने देखा होगा जो भी हमारा इंजीनियर होता है, हमारे जो भी हम जैसे होम सिटीज घर वगैरह बनाते हैं, जो हमें नक्शे वगैरह बना के देता है, ठीक है, जो भी हमारा मैपिंग वगैरह करता है कोई भी कुछ भी सिस्टम का, तो उसको यार जो वो जो करता है एजुकेशन, ठीक है, उसको जो वो जो डिग्री करता है उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्टर और बी प्लानिंग। ओके, सो वो उन जो बच्चों को करनी है उसको पेपर टू सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं। ओके, सो जो है मेल कैंडिडेट को लिए 750 रुपए है, फीमेल के लिए 325 रुपए है। ओके, और जो SC ST PWD वाले बच्चे हैं उनको भी 325 रुपए है। ओके, देन आपको सबसे नीचे जाना है लास्ट में, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे टिक करना है। ओके, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यार अब ये सिंपल, जैसे मैं पहले नाम वगैरह पढ़ देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, ये सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा देन। ओके, पहले मैं पढ़ लेता हूँ पूरा। ओके, सो प्यारे स्टूडेंट्स, पहले आपको अपना नाम पढ़ना है, देन फादर्स नेम। अब ध्यान रहे कि आपको स्पेलिंग की कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको पहले जो है अपनी टेंथ की जो मार्कशीट है वो लेके बैठना है, टेंथ की मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वो आपको फटफट फटफट भर देना है। ओके, देन आपको क्या करना है, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है। आप जो है यहाँ पे आपके पास अगर पैन कार्ड वगैरह नहीं है, अगर आप 12th स्टूडेंट है तो जनरली आपके पास ऐसा नहीं होगा शायद, आई थिंक। ओके, तो आप यहाँ पे स्कूल आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे स्कूल आईडी कार्ड के अंदर आप क्या डालेंगे, आपके जो भी मार्क्स है, स्कूल आईडी कार्ड के अंदर आप जो है रोल नंबर डाल दीजिएगा। ओके, स्कूल आईडी कार्ड का मतलब आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाल रहे हैं, यानी कि 12th का एडमिट कार्ड, तो जो भी आपका 12th एडमिट कार्ड का जो नंबर है वो आप उसमें डाल देंगे। ओके, सो मैं भी यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे ओके। देन जो नीचे जाना है, नीचे आप एड्रेस सिंपल फिल कर ही दोगे। ओके, देन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को वो है ईमेल आईडी। यार आपको जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही फिल करना है, वरना आपको जोसा CSAB में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपका जो है एड्रेस एकदम सेम है तो आप यहाँ पे सेम एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो आपको फिर से जो आपका या जो दूसरा जो एड्रेस है वो डाल देना है। मेरा सेम एड्रेस है तो मैंने ये कर दिया। देन आपको जो है पासवर्ड सेलेक्ट करना है। सो यार पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। ओके, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है यार, जैसे कि जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं एस, जैसे मेरा नाम है, आप किसी नाम से या फिर अपना जो है एकदम खुद प्रोटेस्ट पासवर्ड रखे। जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जयपुर, सॉरी JAIPUR जयपुर @, ओके, देन मैं लिख देता हूँ, ये पासवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि पहला कैपिटल डाल लिया KAML कमल @ इतना, ठीक है, टोटली 15 ही कर सकते हो आप। जैसे कि एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, एक बीच के अंदर जैसे @ या फिर #, या फिर कुछ होना चाहिए, और कुछ एक संख्या भी होनी चाहिए, और ये जो है नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, इस प्रकार इसकी कुछ कंडीशन है। ओके, सो इस प्रकार से जो मैं पासवर्ड फिल करता हूँ। यार यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप इसमें कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये याद रखने के लिए पासवर्ड परपजेज, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो जो कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो यार देखो मेरे से ये
पूछ रहा है कि आप सारे के सारे कंफर्म करो, ये कंफर्म करने के बाद मेरे यहाँ पे टिक करो, ठीक है। तो मैंने एकदम सारी की सारी सही स्पेलिंग लगाई है। ओके सो यार, आप अपना जो है मम्मी डैडी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओके बिल्कुल चेक जरूर करें। ओके और अगर बाई चांस अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो, आपने अगर कोई गलती कर दी है, तो आफ्टर द एंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है जो आपको फिर से करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा, 2 से 3 दिन का। मेरे यहाँ पे ओटीपी आई है, ओटीपी मुझे डालनी पड़ेगी। ओके तो मैं अब ओटीपी डाल के इसको जो है सबमिट करता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं हम। सो गाइस, फिर मेरे पास देखो ऐसा ओपन हो रहा है। अब मेरे को मैसेज भी आ गया है एनटीए की तरफ से कि आपका रजिस्ट्रेशन एक फेज कंप्लीट हो चुका है। देन मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से क्लिक करूंगा। ओके देन ये यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल में जाएंगे, अब वापस हम फिर से फुलफिल करेंगे। ओके यार, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये ऑप्शन है कैटेगरी का, आप इसको बिल्कुल सेलेक्ट करें। जैसे कि ओबीसी एनसीएल है, एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आप इसको बिल्कुल फिल करें, ठीक है। 100% इसको फिल करना बहुत आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, भैया ये प्लेस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? यार अगर आप जो है रूरल एरिया, यानी कि आप गांव से बिलोंग करते हो, तो आप रूरल सेलेक्ट करें। अगर आप शहर में रह रहे हो, तो आप अर्बन सेलेक्ट करें। ओके एंड आप फैमिली की इनकम सेलेक्ट कर लेते हो, मैं तो बहुत गरीब हूँ। ओके देन बोर्ड ऑफ प्रिपरेशन, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो सेलेक्ट। ओके एंड फिर से आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट, फिर से यस। ओके आगे बढ़ गया। एक ये ऑप्शन आप जरूर सेलेक्ट करें, मीडियम ऑफ स्कूलिंग। जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं, तो हिंदी सेलेक्ट कर दो यहाँ पे। ओके गाइस, एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके पास आधार नंबर है? तो यहाँ पे आप यस पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यस पे सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। ओके देन फिर से मांग रहा है डिटेल्स। यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 3 ऑप्शन आए हैं। जिन बच्चों के आधार में करेक्शन प्रॉब्लम है, नाम के अंदर इश्यू है, तो वो बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, या फिर जो का बिल्कुल ठीक है, तो वो जो है फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें। ओके समझ गए ना सभी लोग। अब आधार कार्ड नंबर डालेंगे हम गाइस। तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कंफर्म करके जो है मैं अब क्या करता हूँ, मैं जो अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके तो ये फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन कौन से के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मेरे को बीटेक करना है, तो मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा फर्स्ट। ओके देन अभी यहाँ पे सेशन एक की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। ओके ओके सो देन अब आपको जो है यहाँ पे अपना स्टैक तो अपने आप ही सेलेक्ट रहेगा आपका। आपको जो है सिटी सेलेक्ट करनी है, जो आप फर्स्ट सिटी सेलेक्ट करोगे ऑलमोस्ट जो है आपका एग्जाम वहीं पे मिलेगा। जैसे मेरे नियरेस्ट सीकर डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं सीकर सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरी जो एग्जाम सेंटर है वो सीकर रहेगा। आपको जैसा लगता है आपके पास में जो सबसे नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, उसको एक नंबर पे सेलेक्ट करें। ओके फिर से हम जो सबमिट करते हैं अभी। ओके तो गाइस, अब ये फिर से हमें जो है 10th 12th की डिटेल्स मांगने लगा है। अब हम 10th और 12th की डिटेल भरेंगे। ओके एंड आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। वैसे तो नॉर्मली सिंपल है, आप एफ 10th वाला तो भर दोगे। ओके देन आपके जो है टोटल मार्क्स डालने हैं, आपको कितने मार्क्स आए वो डाल देने हैं, आपके परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। आपको जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा 12th वाले में, तो आपको जो अगर आप अपियरिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है अगर आप अभी 12th में, तो आपको अपियरिंग डालना है। ओके देन जो है आपको यहाँ पे क्वालिफाई एग्जाम के अंदर कौन सा डालना है, अगर आप 12th के अंदर अभी है सीबीएसई आरबीएसई या फिर अदर अदर स्टेट बोर्ड से, तो आप इसमें डालना है एनी पब्लिक स्कूल या फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ओके इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज बाई 10+2 सिस्टम। ओके तो जो सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको सेलेक्ट कर देना। ओके सो अब हम सबमिट करते हैं इसको, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। यस अब यार आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा आर यू ट्वीन, इसका मतलब आप अकेले हैं, यानी कि अपने माता पिता के अकेले बच्चे हैं, तो आप यस नो डाल सकते हैं। जैसे मैं यस डाल देता हूँ। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ट्वीन का मतलब होता है जुड़वा भाई हो क्या आप कोई, ठीक है, आपके साथ में कोई जुड़वा भाई बहन है, तो उसका नाम डालना है, ठीक है, ट्वीन का मतलब यही होता है। वो अब गाइस जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, एक तो जो है मैं फोटोग्राफ अपलोड करना है विदाउट मास्क के, देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग दिया गया है, आप उसको अभी अपलोड कर सकते हैं। ओके सो मैं आपको फोटो वगैरह अपलोड करके दिखा देता हूँ। फोटो मैंने अपलोड कर दी है,
ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का आजकल सबको प्रोसेस सिंपल पता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।